दोस्तों लॉकडाउन 5.0 में दफ्तरों के लिए 5 बड़े निर्देश हर कर्मचारी और नियोक्ता को जानना है बेहद ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है और इसके संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी कर दी गई हैं और इन गाइडलाइंस में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वर्क प्लेस को लेकर क्या गाइडलाइंस यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं इनके बारे में, तो वीडियो आप पूरा देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इन नई गाइडलाइंसों के बारे में जान सकें। दोस्तों फिलहाल DOPT की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और हो सकता है एक दो दिन में DOPT भी इसके संबंध में आदेश जारी कर दे, उसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है यहाँ पर वर्क प्लेस को लेकर 5 बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, यानी कि 5 नए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराया जाए, उसके बाद में कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में बुलाया जाए, और तीसरा फिर यहाँ पर कहा गया है कि दफ्तर के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए, और चौथा यहाँ पर कहा गया है कि समय समय पर पूरे दफ्तर का सैनिटाइजेशन किया जाए, और पांचवा यहाँ पर कहा गया है कि दफ्तर में कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कराई जाए। तो ये 5 ऐसे दिशा निर्देश यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन 5.0 के दौरान जारी किए गए हैं, जो कि हर एक सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी और उनके नियोक्ता को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।